कृष्णा, मैं तुषारा पिल्ले मुंबई से। पहला अध्याय अर्जुन अर्जुन का ये है, जहाँ पे अर्जुन अपने रथ को सबके सामने ले जाके रखते हैं और सबके अपने भाई बंधुओं को और अपने परिवार वालों को देख के उनके मन में कई आशाएं आ जाती हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे भी मन में बहुत सारी आशाएं आ जाती है। तब हम कुछ डिसीजन लेते हैं या कुछ आगे करने जाते हैं, हम बहुत सारी शंकाएं सोचते हैं कि ऐसा है वो है, लोग क्या कहेंगे या वैसा कैसे होगा, अगर ऐसा हुआ तो कहीं विनाश हो जाएगा और हम अपना अच्छा नहीं हो पाएगा तो उसमें भी लोग हमें ही कोसेंगे और हमें अपने आप को हम लोग इतना गलत ठहरा देते हैं और इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि हम उसकी पॉजिटिव साइड कभी देखते नहीं है। सेम में जैसे अर्जुन के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, फिर भी अर्जुन को थोड़े टाइम के लिए वो अपने उसमें मन की अपनी बुद्धि के सुन के थोड़ा वो विचलित हो गए थे। जैसे कि श्लोक 40, 41, 42 और 46 में है, तो 41 और 42 श्लोक हमारे हर बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि 41 जब वाला श्लोक जो है उसमें बताया गया है सखरो नरकियो कुलंग ना कुलश्चा, तो अपना कुल का नाश होता है अगर हम अन्य धर्म को अपनाते हैं या अन्य धर्म के लोग अपने साथ मिल जाते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू गेट अ रिलेशन विद, या शादी करते हैं हमारे बच्चे तो अपने ही कुल के या अपने ही धर्म के लोगों से करें, वरना अपना धर्म नष्ट हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग, मैंने ये सीखा कि अर्जुन इतना वेदना में आ गया था कि उसने, अर्जुन को लगा कि अर्जुन अब युद्ध नहीं कर सकता है। तो अगले चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में बहुत कुछ है। तो फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन बिल्कुल ये हो गए थे, उनको पता नहीं चल रहा था क्या करना है, उनको धर्म अधर्म का, उनको कंक्लूशन में वो थे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो अधर्म होगा, मैं वैसा करूँगा तो वो धर्म के खिलाफ होगा, मेरे ये होगा। बट अर्जुन ने कभी भी अपना कर्म के बारे में नहीं सोचा, जो कि सोचना चाहिए, क्योंकि कर्म ही अपना धर्म है। धन्यवाद।